तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनाटू के थाना प्रभारी कमलेश कुमार यादव जी। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो हत्या हुआ है, इसके पीछे क्या-क्या चीज़ें अभी तक सामने आई हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। सर, जिस तरह से ये हत्या की बातें हो रही है सर, तो क्या इसमें मामला है सर? पूरी बात थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं सर। इसमें जैसा कि अभियुक्त को गिरफ्तार करके जो मुख्य आरोपी था, जो मृतका मरी उसका पति इस कांड का मुख्य आरोपी था, और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उसके द्वारा बताया गया कि घटना से एक दो दिन पूर्व में जो उसके साले जो थे वो उसके घर आ करके और उसकी पिटाई किए, उस घटना से वो काफ़ी आहत था और उसी के कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया। कुल मिला के ऐसा समझा था सर कि ये ईगो की बात थी और कहीं ना कहीं इसको दिल पे ले लिया। सर का कहना है, और जिस तरह से जो खूनी है, जो कातिल है, उसका बयान ये सर बता रहे हैं कि उसका कहना था कि हमारे ससुराल वाले ने हमारे साथ जो है वो मारपीट हमारे घर पर आकर किया, और इसमें ये आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा, इसलिए ये इतना बड़ा कदम उठाया सर। हाँ, उसके द्वारा यही बताया गया कि वो काफ़ी आहत था इस घटना को लेकर। उसने बताया कि मेरा इज्जत क्या रह गया गांव में, कि साले ने तो पिटाई की ही, साले के साथ और भी एक आध लोग आए थे किसी और गांव से भी, उन लोगों ने भी मेरे साथ हाथापाई की घटना की थी, जिसके कारण वो काफ़ी अंदर से आहत था। तो इसमें सर आप बच्चे के बारे में भी कुछ बताया सर कि उतना छोटे बच्चे को इसमें क्या गलती थी सर, 5 महीने का बच्चा था। बच्चे के बारे में उसने बताया कि असल में वो भी बता रहा था कि बच्चे को मैं नहीं मारना चाहता था इस समय। बच्चे को देख के मुझे महोदया आ रही थी, लेकिन मैंने उसकी माँ को बोला, जब मैं माँ को लेके जा रहा था साथ में बाइक से, तो बच्चे को बोला कि रिश्तेदार के यहाँ रजडरवा में कोई रिश्तेदार है उनका, उसके यहाँ बच्चे को छोड़ दो, रख दो। लेकिन माँ तैयार नहीं हुई, जिसके कारण मजबूरन उसने बोला कि मैं जब पत्नी की हत्या कर चुका था तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था बच्ची को लेके मैं कहाँ जाऊँगा और कैसे भागूंगा, कहाँ भाग पाऊँगा छोटी सी बच्ची को लेके, तो इसलिए मैंने उसे भी ख़त्म कर दिया। तो इसमें कुछ अकेले अकेले ये सारा जो साजिश है सर, और सारा जो ये काम किया है, ये सर अकेले किया है या इसमें और किसी की संलिप्तता, या कोई अगर इसको मदद वगैरह कर रहा हो, साथ में नहीं कर रहा हो लेकिन लोकेशन से, पैसे से, या किसी भी और तरह का हिम्मत दे रहा हो, किसी और लोग की संलिप्तता इसमें देखी गई है सर अभी तक? वो तो अभी अनुसंधान जांच का विषय है ना। उसके तरफ से कोई किन्हीं का कोई नाम वगैरह सर, हाँ, किसके तरफ से? जो कातिल है सर उसके तरफ से किसी और कहीं उसने अकेले ही खुद का गुनाह कबूल कर लिया? हाँ, नहीं, उसके द्वारा बताया गया कि मैंने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा सर, इसमें अभी अनुसंधान जारी है, और क्या लगता है सर इसमें और कुछ भी आप हो सकते हैं? इसको बहुत सारे एंगल से लोग देख रहे हैं सर, आप लोग भी देख ही रहे होंगे, तो इसमें और क्या लगता है सर, इसमें और क्या हो सकता है? या उसने जो बयान दिया वो लड़के ने, उसी को सच मान लिया जा रहा है सर, या फिर इसमें और कुछ देखा जा सकता है? नहीं, इसमें अभी जाँच का विषय है, और जो भी बिंदु पर जाँच है हम लोग प्रत्येक बिंदु को जाँच करेंगे, और जाँच पश्चात ही जो अंतिम निर्णय होगा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी निर्दोष को कहने पे जेल भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। तो आपने सुना, ये थे मनातू थाना प्रभारी कमलेश कुमार यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कातिल था, लड़का था, उसने सारी चीज़ें बताई है। हालांकि अभी मनातू पुलिस का अभी अनुसंधान बाकी है, अभी भी जांच चल रहा है कि और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, सारे तथ्यों को अच्छे से देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल तक की जो रिपोर्ट है इसमें यही है कि लड़के की आत्मसम्मान की बात थी, और उसके जो ससुराल वाले हैं वो कहीं ना कहीं इसके घर पर आके मारपीट किए थे, और ये ईगो का मैटर आता है, उसी को बात को लेकर के ये जो है इतना निर्मम हत्या इसने किया था। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं,